हेलो गाइस, सो कैसे आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू अनदर क्यूब सॉल्विंग वीडियो। तो गाइस यार, आप देख सकते हैं कि ये हमारा 4x4 रूबिक्स क्यूब। कुछ दिनों पहले मैंने 3x3 करा था और आज हम करने जा रहे हैं 4x4। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से मैंने इसे याद कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं चारों साइड से अनस्क्रैम्बल है और आज हम इसको भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करना, मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक ट्विस्ट होता है। इसमें हमारा 3x3 में 1 मिडिल पीस होता है, बट इसमें 4 है, और उसमें एक एच पीस होता है, बट इसमें 2 है। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से हम अपना ये स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा हमें, तो थोड़ी देर देख। ठीक है, तो फटाफट से हम इसे सॉल्व कर देंगे। देख सकते हैं आप, ये येलो हमारा बन चुका है मिडिल पीस, और वाइट भी बन चुका है। ये पूरा 3x3 की है, 3x3 की तरह ही है। मतलब अगर आपको 3x3 सॉल्व करना आता है तो आपको इसका 75% सॉल्व करना आ चुका है, और बाकी तो इसमें आपको एक कलर स्कीम याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो 3x3 होता है उसमें एक ही मिडिल पीस होता है, तो इसलिए वो हम किसी भी साइड किसी भी मूव करें तो वो ख़राब नहीं होता है। अब ये देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे ये रेड पीस है, मैं इसे मूव करूँगा तो ये नीचे को आ गया, और ये नीचे को आ गया, मतलब और मूव करा तो ये राइट को आ गया, फिर ऊपर करा तो ये ऊपर को आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा हार्ड होता है, बट चलिए अभी फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे ग्रीन मिडिल पीस बन चुका है, और ये ऑरेंज भी बन गया है, वाइट और येलो भी। अब हम यहाँ पे बनाएंगे ब्लू और यहाँ पे बनाएंगे रेड। तो आप देख सकते हैं हमें पहले से थोड़ा बन के मिल चुका है, तो हम फटाफट से कर लेंगे। और ये भी हमारे बन चुके हैं सारे मिडिल पीसेस। अब हम बनाएंगे एच पीसेस, जो कि थोड़े से हार्ड होते हैं, और इनमें हमें थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, फटाफट जब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे, मतलब इसमें वैसे तो 2 एच पीसेस होते हैं, बट इसे हम एक ही मानते हैं। एक एच पीस हमारा सॉल्व हो चुका है, एक और हुआ था, कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गया। चलो कोई बात नहीं, अभी हम बाकी के एच पीसेस सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। देख सकते हैं आप, एक और हमारा एच पीस बन चुका है, और ये वाला एच पीस बना है पहले से ही, और ये वाला भी बन चुका है। ठीक है, नाइस, वाइट और ब्लू वाला भी बन चुका है। अब बनाएंगे हम दूसरे। एक और बन चुका है हमारा, ये देख सकते हैं आप, ऑरेंज और वाइट वाला, ब्लू और ऑरेंज, एक सेकेंड। ठीक है, तो ब्लू और ऑरेंज, ऑरेंज और वाइट, ठीक है, और ग्रीन और येलो भी बनाया मिल गया हमें, और वाइट और ब्लू। ठीक है, अब हम करेंगे बाकी के एच पी सॉल्व। सो वाइट और रेड को ढूंढ लेंगे। देख
देख सकते हैं आप ब्लू और रेड वाला भी कॉर्नर पीस मतलब एज पीस सॉल्व हो चुका है, ऑरेंज और वाइट वाला भी, फिर ऑरेंज और ब्लू वाला भी, रेड वाइट वाला भी, ग्रीन येलो वाला भी। अभी हमारे कुछ थोड़े से ही और बचे हैं सॉल्व करने के लिए एच पीसेस, जो कि 2 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, नाइस। येलो और रेड, इसमें ना मेरे को ना एक चीज़ बड़ी बेकार लगती है कि मतलब इतने सारे पीसेस होते हैं तो कोई पीस मिलता नहीं है जब ढूंढने में आते हैं। ठीक है, ये मिल चुका है हमें। एक और पीस हमारे सॉल्व हो चुका है एज वाला, रेड और येलो। okay, तो अब हम ये वाले कर लेंगे थोड़े। देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्रीन वाइट वाला भी बन चुका है, रेड और ब्लू वाला भी बन चुका है, और यहाँ पे हमारा ऑरेंज और वाइट वाला भी बन चुका है। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे पीस बन चुके हैं। सो ओके गाइस, देख सकते हैं आप सारे के सारे जो है हमारे एजेस पीस है सॉल्व हो चुके हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे भी सॉल्व, ये भी, ये भी, ये भी, और अब ये पूरा का पूरा हमारा 3x3 बन चुका है। बस ऐसे सॉल्व करें और अब ये हमारा पूरा 3x3 बन चुका है। ठीक है, क्योंकि अब बस इसमें हमें एजेस लगाने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं। फटाफट से लगाते मतलब ठीक से कर लेते हैं एजेस को, और अब तो हमारा जो क्यूब है वो मतलब जो होता है ना कि पूरा 3x3 बन चुका है, और अब हम इसे पूरे 3x3 के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यार ये बहुत ज्यादा अटक रहा है, पता नहीं क्यों, व्हाइट ग्रीन और रेड। नाइस, और ये लास्ट चार हमारा पीस है, सभी लगा लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो 3x3 का पहला लेयर सॉल्व हो गई थी ना, ये देख सकते हैं आप सारा मतलब पूरा का पूरा वाइट कलर बन चुका है। ये भी है ठीक, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी, और ये पूरा हमारा बीच वाले जो पीसेज हैं उनसे मैच कर रहा है। अब हम अपने जो एज पीस हैं उन्हें लगा लेंगे। और अब इसी के साथ हमारा लास्ट एज पीस और हमारी सेकंड लेयर भी 3x3 के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है जो कि है मतलब आखिरी लेयर बची है। और अब आप देख सकते हैं ये जो है येलो और रेड गलत जगह पे, मतलब येलो जो है ये ऊपर आने चाहिए और रेड नीचे, सेम इधर येलो ऊपर और ग्रीन नीचे। तो इसके लिए हम लगा लेंगे OLL पैरिटी। ओके,
ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो और रेड जो था वो हमारा उल्टा हो चुका है। अब हम सेम जो है मूव है ये ग्रीन और येलो के साथ भी लगा लेंगे। देख सकते हैं अब आप हमारे जो येलो वाले एच पीस हैं वो भी सॉल्व हो चुके हैं। अब लास्ट जो ये पीसेस हैं इन्हें हम PLL पैरिटी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो PLL पैरिटी एक सेकेंड, सबसे पहले हमें इसे इसे इधर लाना है और इसे इधर। ये हमारा 3x3 का मूव है एक, और ये हमारे सारे एच पीसेस अब मैच कर रहे हैं। और लास्ट वाला जो स्टेप है ये हम कर लेंगे PLL पैरिटी से। ओके नाइस, इसमें हमारा थोड़ा खराब होगा क्यों। ओके नाइस, और अब हमारे दो तो बन चुके हैं तो फटाफट से मैं इनको ठीक जगह पे लगा लेता हूँ। और ये वाले अब हमें लास्ट जो ये दो हैं इन्हें रखते हैं, इन्हें करना है, तो ये हम PLL पैरिटी से कर लेंगे। एक सेकेंड, बस हमारा क्यूब सॉल्व होने वाला है गाइस। ठीक है, बस ये जो एज पीसेस है ना ये थोड़ा हमें परेशान करते हैं, तो कोई बात नहीं, इन्हें भी हम बिना किसी देरी के सॉल्व कर लेते हैं। इसमें थोड़ा यार टाइम जाने वाला है, वो बाकी तो एकदम इजी था, बट जो ये वाला है ना लास्ट स्टेप के कॉर्नर पीसेस इसमें थोड़े हार्ड हैं 4x4 में, बाकी 3x3 में तो इजी हैं। तो ओके गाइस, अभी फटाफट से मैं इसके कॉर्नर पीसे भी सॉल्व करके मिलता हूँ आपसे। वैसे क्योंकि मतलब आप थोड़ा आगे कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आप भी बोर हो रहे होंगे।
ओके गाइस, ये मैं इतनी देर से बैठा हुआ यहाँ पे, अभी तक ये हो ही नहीं रहा यार। कॉर्नर पीसेज ना सच्ची में दिमाग खराब कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, बस अब तो दोबारा नहीं यार। कितनी देर से मैं कितनी देर से एक ही स्टेप करने में लगा हूँ, ये पता नहीं मैं कितनी टेक्निक कर ली है, अभी तक हो ही नहीं रहा। मतलब कितनी टेक्निक, मतलब मेरे को तो दो ही टेक्निक आती है बस। और बस एक बार मैं अब पैरिटी वाला करने वाला हूँ, और अगर सॉल्व हो गए तो बढ़िया, नहीं तो फिर से वही करना पड़ेगा। दुखी दुख भर है मेरी जिंदगी में।